अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और हमें अपनी रहमतों के साए में रखे हमेशा, आमीन सुम्मा आमीन। चलें तो व्यूअर्स, आज हम करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। कि आज मैं आपके लिए बहुत ही एक यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ, पापड़, जो कि बच्चे भी और बड़े भी सभी तकरीबन शौक से खाते हैं। तो चलें हम इसकी रेसिपी करते हैं स्टार्ट। इसके लिए मैंने लिया है एक कप साबूदाना, जो कि ऑलरेडी 2 से 3 घंटे मैंने सॉक किया हुआ था। 2 मीडियम छोटे पीसेस में कट करके पोटैटो ले लिए हैं। अब हम इन्हें मिक्सी के जार में डाल के तो अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे। 1/2 कप वाटर डालेंगे और इसका एक बहुत फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। इसको एक बाउल में निकालने के बाद पोटैटो भी इसी तरह जार में डाल के उसमें भी 1/2 कप वाटर हम ऐड करेंगे और उसको भी हम अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे। व्यूअर्स ये देखें, पोटैटो को भी हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लिया है। अब इसको हम जो है वो किसी भी स्ट्रेनर में डाल के तो उसके बाद साबुदाने में ऐड करेंगे, ताकि इसका कोई भी अगर चंक वगैरह इसके अंदर बड़ा पीस हो तो वो निकल जाए। अब हम इसको एक फ्राइंग पैन में डालेंगे और इसके अंदर कुछ वाटर ऐड कर देंगे हम लोग। वाटर में तकरीबन 4 कप वाटर ऐड करेंगे हम इसमें। व्यूअर्स अब इसमें हम 1/2 टीस्पून जो है वो सॉल्ट डालेंगे, कोई भी जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं, और काला नमक या फिर आम रेगुलर। और इसमें 1 टीस्पून जो है वो हम ज़ीरा डालेंगे और 1 टीस्पून जो है वो चिली फ्लेक्स डालेंगे। और इसके अलावा हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता जो है वो 5 से 20 कोई भी आपके पास लीव हो, मेरे पास ये फ्रेश थे तो मैंने इसमें फ्रेश यूज़ कर लिए। और इनको डाल के अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसे फ्लेम पे रखेंगे। व्यूअर्स ये हमने अपना मिक्सचर जो है वो फ्लेम पे रख लिया है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है, और इतना कुक करना है कि ये थिक हो जाए और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी फॉर्म में आ जाए। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि साबुदाना भी अगर हम पकाते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट सी फॉर्म में आ जाता है, तो इसे हमने इतना कुक कर लेना है कि ये बिल्कुल थिक पेस्ट बने और ट्रांसपेरेंट फॉर्म में आ जाए। व्यूअर्स देखें, यहाँ पे हमने तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको कुक कर लिया और ये बिल्कुल थिक और ट्रांसपेरेंट फॉर्म में आ चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। आपने कभी भी इसको गरम गरम किसी भी पेपर या फिर प्लास्टिक शीट पर नहीं डालना, क्योंकि वरना वो हीट के साथ बिल्कुल जल जाएगी। आपने इसका टेम्परेचर डाउन होने के बाद ही इसको किसी शीट पर डालना है और इसको इसी तरह जिस तरह मैं डाल रही हूँ बिल्कुल पतला पतला बना के डालना है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसको थिन इस पेपर पे डालेंगे और उतना ही पापड़ जो है वो आपका क्रिस्पी बनेगा। अब आपने इसको इस तरह शीट पे फैलाने के बाद तकरीबन 2 दिन के लिए आपने इसको ड्राई होने देना है। जब ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई और कड़क फॉर्म में आ जाएगा तो तब ये पापड़ आप फ्राई। व्यूअर्स ये देखें, यहाँ पे मुझे पापड़ फैलाए हुए तकरीबन 2 डेज हो गए हैं, और अगर आप इसे धूप में डालेंगे किसी अच्छी धूप वाली जगह पे तो ये जल्दी भी ड्राई हो सकते हैं। मैंने तकरीबन 2 दिन के लिए रखे हैं और ये देखें बिल्कुल एक पेपर से फॉर्म में आ गए हैं। और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे और देखिएगा आपके ये कितने क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे। व्यूअर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपके लिए कोई इससे भी अच्छी वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।